मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर रहा था, तो तभी पुलिस लाइन परिसर में खड़ा एक पशु तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। हेलीपैड पर पशु को दौड़ता देख सुरक्षाकर्मी उसे दूसरी तरफ भगाने में लग गए। संयोग ठीक रहा कि पशु हेलीकॉप्टर की ओर नहीं दौड़ा। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से की गई सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। वहीं सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वह जीजीआईसी ने में बने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारियां तेज की गई हैं। सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उचित दर दुकानों पर राशन वितरण में मदद करें। टेस्ट और ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते थे और लिए एन एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को यानी आज से ठीक एक महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले एक महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है, जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2,25,000 थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। ऐसे ही प्रदेश के बारे में एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच